नमस्कार दोस्तों, कैसे आप लोग। दोस्तों, ये इग्नू के BCA 054 के असाइनमेंट सीरीज़ का चौथा वीडियो है। इस वीडियो में हम इग्नू के BCA 054 जो फिफ्थ सेमेस्टर का जो सब्जेक्ट है, इसमें जुलाई 2022 और जनवरी 2023 का जो असाइनमेंट है, उसके फोर्थ क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन मैंने सॉल्व कर रखा है, बस मैं आपको बताऊँगा कि क्वेश्चन सॉल्व कैसे हुआ है। और तो प्लीज़ वीडियो को एंड तक देखें, इसकी बिल्कुल ना करें। इग्नू के असाइनमेंट BCA 045 के जुलाई और जनवरी के जो असाइनमेंट है, इसमें फोर्थ क्वेश्चन में टोटल दो क्वेश्चन है, ए और बी। तो यहाँ से लेके यहाँ तक आपका पहला क्वेश्चन है, यहाँ से लेके यहाँ तक आपका दूसरा क्वेश्चन है, ठीक है। ओके, यहाँ से लेके यहाँ तक ये आपका पहला क्वेश्चन का आंसर है। थोड़ा सा अंतर आगे भी है, आप पूरा देख लीजिए डिटेल में, ठीक है। ओके, ठीक है। और ये तो, और यहाँ से लेके यहाँ तक इग्नू के ये देखिए, यहाँ तक -9.37 ये इग्नू के फोर्थ क्वेश्चन का ए का यहाँ से लेके यहाँ तक का पूरा आंसर है, ठीक है। हाँ, ये रहा यहाँ पे आपको, ये एज इट इज़ उतारना है आपको, ये भी एज इट इज़ उतारना है, ये भी एज इट इज़ उतारना आपको, ठीक है। ये भी एज इट इज़ उतारना है, ये भी एज इट इज़ उतारना है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि आगे भी मैं दो चार वीडियो और लेके आने वाला हूँ, और भी डिटेल्स वीडियो लेके आना हूँ, जो जिसकी नोटिफिकेशन आपको टाइम पर पहुँच जाए। तो उसके लिए आप प्लीज़ सब्सक्राइब और बेल आइकन दबा दीजिए। ये सेकंड क्वेश्चन है बी, इग्नू का फोर्थ का बी, फोर्थ क्वेश्चन का बी पार्ट, ठीक है। ये रहा क्वेश्चन फॉर्मूला, यहाँ से लेके यहाँ तक, हाँ पूरा उतार लीजिए, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं पूरा। ठीक, फिर यहाँ तक, यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा ये, उसके बाद ये सॉल्व करते समय कुछ वैल्यू को काटा गया था, उसके बारे में कैसे काटा है वो भी मैं आपको डिटेल वीडियो बना के जब मैं आपको समझाऊंगा ये क्वेश्चन सॉल्व कैसे होता है, तो आपको पूरा समझ में आ जाएगा। अभी तो सिर्फ हम असाइनमेंट की सीरीज स्टार्ट कर रखे हैं। उसके बाद यहाँ से लेके यहाँ तक जनवरी और जुलाई दोनों ही स्टूडेंट्स के लिए है, ठीक है। ओके, वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, दोस्तों को बोल दीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, प्लीज़ अपने भाई को चैनल ग्रो करने में हमारी मदद करिए। हैव एन नाइस डे।